कोई ऐड हुआ है बच्चों, देखते हैं कौन हुआ। हेलो बेटा। वालेकुम एग, मैं पहली बार आया ना, पहली कोई बात नहीं। वालेकुम बार अस्सलाम। कैसा हो बेटा? ये अर्जुना नीट के बच्चों ने मुझे बोलना सिखा दिया। मैं क्लास में जाती हूँ, मैं पहले करती थी नमस्ते और सत श्री अकाल, अब बच्चे बोलते अस्सलाम वालेकुम, मैंने बोलना सीख लिया। क्या नाम है बच्चे आपका? कौन से? तारिक अहमद। तारिक अहमद। कहाँ से हो बच्चे? हाँ भाई, हम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा? मैम पढ़ाई तो अभी ठीक नहीं चल रही है पढ़ाई ठीक क्यों नहीं चल रही है? मैम, थोड़ा भी घर में बाजी का शादी है बहन का, वही से अभी थोड़ा मेरे भी घर में प्रॉब्लम। बहन की शादी है, मैं पढ़ाना छोड़ दूँ? नहीं क्यों? मैम, असल बात मेरा ही गलती है मैम, हमको टाइम बहुत मिल रहा है, हमको छूट दिया गया है यहाँ एग्जैक्टली पे, मतलब तुम्हारी पढ़ाई लेकिन पढ़ाई, मेरे को भी तो पढ़ाना पड़ता है ना। तो हाँ क्लासेस मैम, लेना तो नहीं छोड़ते ना हम बेटा? हाँ मैम, मैम थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाता है मैम, वही से मैम, कैसे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं भाई? जैसे कोई रिश्तेदार आ गया तो पढ़ने मन नहीं करता है, मन करता है बात बात करे, यही से भाई लोग आ जाता है बहुत सा। अच्छा, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है कि घर में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना मुश्किल होता है। लेकिन बेटा जब तक आप अपना शेड्यूल खुद नहीं बनाओगे, जब तक अपना ऑरा खुद नहीं बनाओगे कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, अपना एक टाइम टेबल खुद नहीं सेट करोगे, तब आप और लोगों के हिसाब से चलते चले जाओगे। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जिस दिन छुट्टी होती है, तो क्या होता है घर पे, हमसे जो कोई जो बोलता है हम वो करते हैं। लेकिन जिस दिन हमें स्कूल जाना होता है, जिस दिन हमें कोचिंग जाना होता है, तो हमारा एक टाइम टेबल फिक्स होता है कि हमें सुबह उठना है, हमें अपना रेडी होना है, हमें स्कूल जाना है, स्कूल से आएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, कोचिंग जो भी है। तो छुट्टी के दिन हम सब लोग के हिसाब से क्यों चल पाते हैं पता है? क्योंकि हमारा खुद का कोई शेड्यूल नहीं है। अपना एक शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल पे पहले खुद रिजिड हो जाओ कि मुझे ये फॉलो करना है, तब बाकी लोग भी इस चीज को समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करो, समझ रहे हो? आप हाँ सीधे ये देखा बहुत करो ना बढ़िया। कि टारगेट मेरा क्या है। जब आपका मन नहीं करता, फिर ये देखो ना कि मेरा टारगेट क्या है। टारगेट तो हमने इतना लंबा सिलेक्ट कर लिया, इतना बड़ा सिलेक्ट कर लिया, तो बेटा मेहनत तो है, यही तो स्ट्रगल है। अपने मन को थोड़ा संवारना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचो बेटा। ड्रॉप लिए मैम एक साथ। कोई बात नहीं, ड्रॉप लिए तो क्या हुआ, मेहनत करो। जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया मुझे करना है, तो कोई रोक सकता है तुम्हें? बताओ, नहीं और मैम, अर्चना मैथ तो नीट मैं में हो, बहुत कौन सी अच्छा मैथ में हो? मैम, नीट 2021 वाला, मैं 2022 वाला मैम। मतलब यकीन में हो? हाँ, यकीन वहाँ वन यकीन वाले में या वाला, यकीन टू? यकीन 2022 वाला मैं, बस वही वक्त वन वाला। वन वाला ना, इनऑर्गेनिक पढ़ाया था मैंने शायद आपको। हाँ मैम, बहुत बैकलॉग है, बहुत पीछे है मैम। वाह, मुझे बैकलॉग वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैम एक नहीं बात मैम, बताओ, बैकलॉग एकदम नहीं है बैकलॉग मैम, एकदम नहीं है किया मैम, एकदम नहीं है एकदम किसने? नहीं है एकदम उस बैकलॉग को खत्म करो पहले तो, ठीक है? उस बैकलॉग को खत्म करो, कौन करेगा, तुम ही करोगे ना? हाँ मैम, इतना सारा अच्छा, 3 वीडियो देखने में मैम बहुत टाइम निकल जाता है मैम, 3 वीडियो, मतलब मेरा एक वीडियो देखने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग जाता है, नोट वोट बनाना, कुछ सवाल जो सर देते हैं उसको पहले खुद से सॉल्व करते, फिर आगे सर का पॉज करके ही करते हैं मैम, तो कम से कम 2.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है मैम एक वीडियो कंप्लीट करने में। तो कोई बात नहीं, 8 घंटा, जब डॉक्टर बनोगे, पेशेंट्स देखोगे, तो 12 12 घंटा देखोगे, पैसा मिलेगा तो देखोगे ना कि नहीं देखोगे? अरे मैम 24 घंटा देख लेंगे ये देखो, मतलब पैसा मिलेगा तो 24। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है नालायक, ठीक है? तो अगर रेडी होगी 24 घंटा पेशेंट देखने के लिए, तो बनो तो सही उस काबिल के, एक पेशेंट का तुम लो 2 2 हजार, ठीक है? एकदम मेहनत सही करोगे मैम, ना बच्चे, तो बैकलॉग कंप्लीट करोगे ना? हाँ मैम, कंफ्यूज हो मैम अभी भी? देखे मैम क्या बताए, क्या अंदर से बताएं, आवाज मतलब नहीं आ रहा, अंदर मेरी से आवाज तो नहीं आवाज आ रही? आता ना, हाँ कर दे, नहीं, आपका आवाज आ रहा मैम, अच्छा, तुम्हारे अंदर आपका से आवाज, आवाज हाँ नहीं आ रही? अच्छा, तुम्हारे अंदर का मन मैम, अभी क्या सोच रहा है, क्या चाहते हो तुम? डॉक्टर बनना है, नहीं बनना है? मन कर रहा है बैठने का सिर्फ, बस और कुछ क्या 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 क्या? नहीं मैम, मन कर रहा मस्त बैठे रहे मैम, और कुछ मन नहीं कर, किताब लेके बैठ जाते हैं मैम,
अब बस बैठते देखते रहते क्यों, कुछ हैं। किया करो ना। देखो होता क्या है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तुम लोग बैठ के किताबें पढ़ लेके बैठे रहो, कोई सेंस नहीं। इसको पढ़ाई नहीं कहते, इसको पढ़ाई नहीं कहते बेटा। जो किया उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो ना, रात को सोने से पहले लिखो कि आज हमने किया क्या, जो किया उसके दो तीन हाँ क्वेश्चन निकाल के देखो, वो पढ़ाई है, ये पढ़ाई नहीं है बच्चे। हाँ हाँ मैम इसलिए अभी भी तो ये बैकलॉग हो मैम गया। मैं बताऊं 2.5 घंटा एक वीडियो को देखने में क्यों लगता है, क्योंकि आधी वीडियो निकल जाती है, तब तक हमारे दिमाग में अलग कहानियां चलती रहती है। मन नहीं मैम ऐसा बोल, नहीं मेरे साथ होता है मैम, मेरे साथ ही है तो फिर मेरा कैसा मूड होता है कभी भाई? फ्रेश ही 3 घंटा, रहता है दो मैम। घंटे की 2 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास, 2.5 घंटा क्यों लगा देते हो? मैम ऐसा फिजिक्स में होता है मैम, लेकिन केमिस्ट्री और बायो में वही 15-20 मिनट का अलग गैप होता है बस, ज्यादा नहीं होता हाँ तो बस ठीक है ना, फिर कैसे 2.5-2.5 3-3 घंटा बोल दिया एक क्लास को? जब तक मैम। मान के स्टार्टिंग चलोगे में ना बेटा, जब करना पड़ रहा है। एंजॉय करके पढ़ो ना, एंजॉय करके पढ़ो, हो जाएगा ठीक है। तारीख हाँ मैम है ना, और मन को समझाओ, मन को समझाओ थोड़ा सा, ठीक है? हाँ मैम और बोलो बच्चे। और क्या बोले मैम, अब देखिए अब बिल्कुल, अगला बार फिर से मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे मैम। अगली बार मिलेंगे तो मुझे बैकलॉग पहले सुनना है कि मैम बैकलॉग मेरा कंप्लीट है। तब तो 2 महीना बाद ही मिलना होगा। नहीं नहीं तू टारगेट बना लो ना कि जल्दी कर लूंगा, ऐसे क्यों सोच के बैठे हो कि 2 महीना पूरा लगेगा? मैम लाइव भी तो करना है ना मैम, लाइव लेक्चर में तो यहाँ आज का लाइव आ रहा है मैम, अब पहले का बैकलॉग टाइम लगेगा ना मैम। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कंसंट्रेशन के साथ लाइव लेक्चर देखो, जरूरी नहीं है लाइव ही देखो, रिकॉर्डेड देख लो, जैसे कंफर्टेबल हो, जिसमें कम टाइम वेस्ट हो वैसे देख लो, हो जाएगा। हाँ मैम हेलो, ठीक है। हेलो बेटा, अरे बाप तो पीडब्ल्यू अभी फाड़ता है आया? ना। अभी आया टी शर्ट? कहाँ से हो बच्चे? अरे पुणे पाठशाला। पुणे पाठशाला, कैसे हो बेटा? क्लास लेके आए हो अभी घर? हाँ अभी आए। अभी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? हाँ अच्छे है। अच्छा अर्जुना नीट? नीट में थे, बैकलॉग थे, यही लिए ऑफलाइन आ गए। लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, अब अभी अभी तो बैकलॉग नहीं है। नहीं अभी नहीं है, मस्त। और पढ़ाई कैसे चल रही है? अभी आशिमा मैम आई है, पीरियोडिक आशिमा टेबल मैम आई पढ़ा। है? हाँ इनऑर्गेनिक में आशिमा मैम आए हैं अभी। बहुत सही बहुत सही। क्या नाम है बच्चे आपका? आराधना? आराधना। पुणे से ही हो प्रॉपर? नहीं, वाशिम, लेकिन पुणे ऑफलाइन के लिए आया है। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। पढ़ाई अच्छी चल रही है अभी एकदम? अभी हाँ अभी ठीक है। मस्त होके पढ़ो। और बताओ बच्चे, हाँ मैम, आप कैसे हो? मैं एकदम बहुत दिन। बढ़िया। बहुत दिनों बाद देखा। पहले अर्जुना नीट में रेगुलर आते होंगे है ना? हाँ मैम आते थे, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आपको रोज देखते थे रोज, तो बहुत मन था, बहुत बड़े फैन है मैं आपके। अरे बस पढ़ाई करो बस, मस्त होके ठीक है। हाँ मैम मिलती रहा करो ऐसे। ठीक हाँ मिलते रहेंगे बेटा, आते रहेंगे, लाइव आते रहेंगे ठीक है बच्चे। हाँ बेटा ऑल द वेरी बेस्ट आराधना, अच्छे से पढ़ना बेटा है ना। हाँ मैम, आप नहीं आओगी ऑफलाइन पढ़ाने में? हेलो बेटा, बेटा अभी 11th में तो नहीं, 12th में देखते हैं बेटा क्या होता है। अभी तो 11th में सच? फिक्स है ना बेटा टीचर? हाँ अभी रेडॉक्स ही 12th बचा है। हाँ अभी रेडॉक्स ही बचा है, हो जाएगा। अर्जुना नीट वाले में तो हो गया पूरा, अभी अर्जुना नीट में थर्मो और इक्विलिब्रियम रह गया है। थर्मो चल रहा है फिर इक्विलिब्रियम है। हाँ धीरज सर ने पूरा कंप्लीट करवा दिया, बस कुछ बचा नाइस है। नाइस नाइस नाइस, अच्छे से पढ़ो बस बेटा है ना। हम सच में 12th में आ जाना, बहुत मस्त लगेगा। हाँ बेटा कोशिश करेंगे, बाकी अभी भी तो अच्छे से पढ़ रहे हो ना, बस ऐसे अच्छे से पढ़ते रहो ठीक है। पाठशाला में पूरे आपके फैन है, बहुत फैन है आपके। कभी आपकी क्लास में मिलने आएंगे ठीक है? क्लास में मिलने आएंगे आशिमा मैम के साथ ठीक है। हाँ अच्छे से पढ़ो बेटा, और टेस्ट स्किप नहीं करना, एक भी सारे टेस्ट देने हैं, और ऑफलाइन ज्वाइन किया है तो एक भी लेक्चर बैकलॉग नहीं होना चाहिए अब ठीक है। ऑल द बेस्ट अभी से आराधना।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, ऐसे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतना बड़े फैन है आपके, वाह। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। बोलो बच्चे क्या बोल रहे थे, बोलो। नहीं मैम मुझे तो ऐसे बिलीव ही नहीं हो रहा, क्या करूँ, बाप रे। बिलीव करो, मुझसे ही बात कर रहा हूँ। दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। मैम ये एलन स्टूडेंट है, हॉस्टल में रहते हैं ना, ये भी आपके, हाँ मैम मैं भी हाँ देखती हाँ अच्छा ओके। हेलो बेटा, हेलो, मैं भी देखती हूँ मैम कैसे हो? आपकी क्लास। हाँ अच्छे से पढ़ो बेटा, जहां भी पढ़ रहे हो जैसे भी पढ़ रहे हो, बस अपना बेस्ट देना, क्लासेस स्किप मत करना, टेस्ट स्किप मत करना, दैट्स ऑल फॉर नीट। ओके, यस मैम, ऑल द वेरी बेस्ट दोनों को। मस्त होके साथ में रहते हो, अच्छे से पढ़ा करो। हाँ वो जेई करिए तब भी फिजिकल के लिए आपको फॉलो करती है, कोई बात मैं नहीं, नहीं। हेल्प हो जाएगा। क्या बोल रहे हो आराधना, आपकी वॉइस कट हो गई थी बच्चे। मैंने ही बोला था उसे कि फिजिकल मैम अच्छी पढ़ाती है, पढ़ लो। वो सकता है ना, एक को वही किया। हाँ, वो हो जाता है, कोई नहीं, वो हो जाता है, तरीका वही है, कंसेप्ट वही है, टॉपिक भी वही है, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ऑल द लेकिन वेरी बेस्ट आराधना। बोलो हाँ यू बोलो तो बोलो फिर बेटा। आपने मस्त कुछ की, पीडब्ल्यू ऐप पे ही आप डिटेल में पढ़ाती हो, यूट्यूब पे भी मस्त पढ़ाया है ऐसे लगता है हाँ मुझे। स्टार्ट बेटा, स्टार्टिंग में ना सीरीज चल रही थी, कंपटीशन वाला और जेई वाला, तो उसमें मैंने लेक्चर्स लिए थे। अभी राइट नाउ मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, अभी मैं आप पे ही पढ़ा रही हूँ डिटेल में। वहां भी मैंने पढ़ाया है, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया जब कंपटीशन वाला चैनल आया था, तो जो सीरीज चल रही थी ना उम्मीद सीरीज, उसमें पढ़ाया था बेटा। वापस सीरीज आएंगी, वापस पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे लेक्चर्स। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छे से पढ़ना है आराधना, बस ठीक है। और हाँ मैम कुछ बोलना है बच्चे? हाँ नहीं चलो बेटा, चेंज कर लो, कुछ खा पी लो, ठीक है, रेस्ट करो, रिवीजन करो फिर हाँ अच्छे से। ठीक है आराधना, ऑल द वेरी बेस्ट ऐसे लगता है बेटा। फिर ऐसे लगता है कि पीडब्ल्यू वाला पूरा 24 घंटा पहन के रहे, बहुत मस्त लगता है। इतना प्यार है फिजिक्स वाला, हाँ इतना प्यार है पीडब्ल्यू से, नाइस। मैं पूरे 12 घंटा लगता है मेरे गांव से यहाँ पे आने के लिए, लेकिन अच्छा बहुत है नांदेड़ लातूर में बहुत क्लासेस फेमस है, लेकिन इतना प्यार हो गया है ना बहुत। और जो मॉड्यूल्स है ना, मॉड्यूल्स के ऊपर सर का फोटो लगा है ना, उस पर ऐसे सीधे रखते हैं, मतलब वो फोटो पर कुछ जाने भी नहीं देते, इतना सुन कुछ। के भी बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आपकी बातें सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इतना प्यार करते हो बेटा। बहुत। और पाठशाला के बाहर जो सर का फोटो है ना, वो हम रोज जाके सर को बोलते हैं, सर गुड आफ्टरनून सर, कल ट्राई करेंगे कि हम मॉर्निंग में स्टडी के लिए आ जाए, सर कल आपको हम गुड मॉर्निंग ही अरे बोल के ऐसे। ये बात सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा। आप लोग भी बहुत अच्छे हो, आप लोगों के प्यार की वजह से ही सब कुछ चल रहा है, दिस इज ट्रुथ। मैम लेकिन ऐसे ऐसे सर भी किस्मत वालों को मिलते हैं, मेरे ट्रू, पापा इतने एफर्ट नहीं पाते कि इतना पैसा भर पाए, जैसे कि ये है एलन में, इसने बहुत भरे हैं, लेकिन अगर सर नहीं होते ना तो हम कभी एलन आए, मतलब एलन जैसे तो जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, और वो भी दिस इज कोटा के ट्रूथ बेटा, सर। दिस इज बहुत बहुत बड़ी बात है ये। मैं तो खुद बेटा पहले पढ़ाया हुआ है, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगी, मतलब मैं क्लास में भी आप लोगों को यही बात बोल के मोटिवेट करती थी कि हम लोग के टाइम पे सोचना पड़ता था कोचिंग करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, बट ये जो कंसेप्ट अभी आया है, मतलब ट्रूली, अब हम ब्लेम नहीं कर सकते कि हम फाइनेंशियली नहीं थे, हम ये नहीं था, वो नहीं था, वो सब एक्सक्यूजेज है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हाँ
एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड दिस इज ट्रूथ बेटा। तो मस्त होके मेहनत करनी है, ठीक है, घबराना नहीं, नर्वस नहीं होना, बस अपना बेस्ट देना है आराधना, ठीक है बच्चे। हाँ, रिजल्ट आएगा तब जरूर आना पुणे पाठशाला। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। ऑल द थैंक वेरी बेस्ट बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। यू। ओके बच्चे, अब रेस्ट कर लो, पढ़ लो, ठीक है। ओके बेटा, और बच्चे को ऐड कर लूं? हेलो मैम, कैसी हेलो बेटा। हो मैम आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, आप कौन से बैच से हो? मैम मैं एक्चुअली अर्जुना नीट 2.0 से हूँ, बट मैंने पीजीएफ में लिया था तो नीट 1 भी मेरा इनरोल्ड है। नाइस नाइस नाइस। तो सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो बेटा रेगुलरली? यस मैम, करता हूँ। फिजिकल तो मैंने आपसे आज से ही शुरू किया है, स्टेट्स ऑफ मैटर को अटेंड करना, और मैंने पहले का रेडॉक्स आपसे पढ़ा है। बट मैम मेरा इश्यू जो है वो, मतलब मैम रिवीजन में आ रहा है एक्चुअली। मैं जो क्लासेस कर रहा हूँ रेगुलरली वो तो समझ में आ जाते हैं, बट रिवीजन में मैम बहुत ही दिक्कत हो रहा है। और मैम एक्चुअली मैंने 2-3 महीने लेट भी ज्वाइन किया था, तो मैं प्रीवियस का कोई टेस्ट नहीं दे पाया हूँ। तो टेस्ट सारे छूट गए। कब ज्वाइन किया था बच्चे? मैम एक्चुअली मैंने अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट वीक में मैम। अच्छा यस ठीक मैम, है, कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया। अभी आपने जहां से स्टार्ट किया अपना प्रेजेंट बैलेंस रखना, जो आपका यस प्रेजेंट चल मैम, रहा है ना, आपने बोला मैंने यहाँ से स्टार्टअप किया है, उसको बैलेंस करते चलना करते चलना। जब कोई लीव आती है, जब कोई छुट्टी आती है, उस दिन आपको अपना यस मैम, पुराना कवर करना है, और हर दिन में एक एक लेक्चर बढ़ा लो। थोड़ा हैक्टिक है बेटा, लेकिन टाइम तो लगेगा और लेना भी जरूरी है। मैम आपके आज का ही लेक्चर मैम 1 आवर 41 मिनट का था, देन एमआर सर का अप्रोक्स 2 आवर 40 मिनट्स, देन बायो मैम बहुत हेक्टिक हो जा रहा है, स्क्रीन टाइम भी मैम बहुत ज्यादा हो जा रहा है। बेटा इसी चीज की वजह से मैं हमेशा आप लोगों का लेक्चर 1.5 घंटे का, 1 घंटा 40 मिनट का ही रखती हूँ, है ना। आज मेरा यस बहुत मन था मैम, 8 बजे तक खींचने का, क्योंकि थर्मो चल रहा था और न्यूमेरिकल्स बाकी थे जो मुझे और भी डिस्कस करने थे, बट मैंने वहीं रोक दिया क्योंकि मैंने टाइम ड्यूरेशन देख लिया था। क्योंकि हो जाता है, काफी बच्चे हो जाते हैं, बट बच्चे मैं आपको सच बताऊं ना, तो रिक्वायर्ड है। हमने जो फील्ड सिलेक्ट किया है, 11th थोड़ा हैप्टिक लग रहा है बेटा, 12th में आप अपने आप को रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि हैबिट में आ जाएगा। कोई भी चीज हम यस जब नई मैम, नई करते तो हमको लगता है कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि 2 घंटे तक एक इंसान को सुनते रहो, कैसे पॉसिबल है 4 घंटे तक 5 घंटे तक लिखते रहो पढ़ते रहो। लेकिन हमारी हैबिट में आता है तो वो हमारा रूटीन हो जाता है, रूटीन हो जाता है, बिहेवियर हो जाता है, और हम रोज पढ़ने लग जाते हैं। हमें अपनी आदतें ही बदलनी है बस बेटा, हो जाएगा। यस ठीक है, मैम, आई एम ट्राइंग मैम। और आपका जो मतलब मेथड ऑफ टीचिंग है मैम, मतलब क्या बोलूं मैम, एक्चुअली मैम बिहार के मैं एक छोटे से शहर गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि मैम यहाँ पे कोई आप लोग जैसे बेस्ट फैकल्टी मिल पाएंगे एवर एकदम। आप मतलब बेस्ट मैम तरीके से आपका करते रहो जो वे है बेटा। ना, वे मतलब मैम मुझे बहुत ही, मतलब बता नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा लगता है टीचिंग का। एकदम बेसिक से आप शुरू करते हो, एकदम मतलब मैम एक्सप्रेसिबल नहीं है। थैंक यू बेटा। बस बहुत खुशी तब होगी बेटा कि जब आप वो सब चीजें अचीव कर पाओगे जो आप लोग डिजर्व करते हो। ठीक है, एकदम मैम, मतलब मैं तो डिजर्व करता, मैं मेहनत करूंगा और आपसे जरूर मिलने बिल्कुल आऊंगा एकदम बिल्कुल, मैम, और ये मैं मेरा पक्का प्रॉमिस है। मिलूंगी, बट मेरा भी अभी प्रॉमिस है, मैम मैं मतलब पक्का थोड़ा दिक्कत मिलूंगी। हो जा रहा है रिवीजन को लेके, तो देन मैंने सोचा कि पर संडे को मैं आपका एक बैकलॉग एक्सप्रेस जो चलता है उससे मैं पर चैप्टर को इजिली रिवाइज कर सकता हूँ। और मैम नाइस, टेस्ट है टेस्ट ना, और को बैकलॉग से मैम रिवाइज करो, मैंने, प्लस अगर यस जहां मैम तुमको लगता है कि यार मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप तुरंत क्लास का लेक्चर देखो, आपके पास है सब्सक्रिप्शन, आप उसको डिटेल यस में पढ़ो, मैम, क्या दिक्कत है ना। और एक मेरा पर्सनल सजेशन है बेटा कि जो लोग जनरली 2 बैच का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, वो आधे टाइम ये आधा टाइम वो करते हैं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है बेटा, अगर कहीं से कोई चीज पढ़ रहे हो तो उन्हें 100% फॉलो करना। ऐसा नहीं यस करना कि मैम, पहला चैप्टर फिर मैंने अभी के यहाँ तो इधर रख सारे दिया। टीचर्स ऑसम है, सारे टीचर्स वो ऑसम तो है, है। ट्रूली ट्रूली। आप जिनको 100% फॉलो करोगे, आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे, उनसे कनेक्ट हो जाओगे, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो यस आपकी मैम, फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आप उन्हें फॉलो लेकिन 100% करना, आपका सब मस्त होगा।
ठीक है, तो और आपने मैम जैसा ये भी सोचा बताया है कि पर चैप्टर को मैं कवर अप करते जाऊंगा, और उस हिसाब से जैसे प्रैक्टिस टेस्ट का आप लोगों ने प्रीवियसली सिलेबस दे रखा है, तो उस हिसाब से मैं था। रिवीजन के साथ साथ वो टेस्ट भी देता ही चला जाऊंगा, तो उससे मैम मेरा नहीं टेस्ट भी नहीं स्किप नहीं होगा। बिल्कुल, तो मैम टेस्ट टेस्ट मैं देना इसको बहुत जरूरी एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैम लेना चाहता हूँ, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके मैं इसको फॉलो अप करना चाहता हूँ मैम। है। आप करोगे, आप यस करोगे, मैम, देख आपसे बात करके मैम बहुत अच्छा लगा, और आपने मेरा स्टेटस भी आज लगाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैम, मुझे तो यकीन नहीं हुआ। सिद्धार्थ क्या नाम है बेटा आपका? राज मैम। सिद्धार्थ राज। ओके ओके ओके, थैंक यस यू मैम, बेटा, थैंक बिहार यू। बिहार से हूँ मैम, गोपालगंज से। तो यहाँ पे तो कोई फैकल्टी ही नहीं है कि जो नीट के लिए डिजर्व करते हैं, दे आर फॉर ओनली फॉर बिहार बोर्ड मैम। सो आप लोग हो जिसके कोई चलते नहीं हम लोग पढ़ बेटा, भी पा रहे हैं, सर और सर आपको एलेना लेकर का आ उसको गए हैं अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। बेटा, वही तो ना, मतलब अब हमें जो मिला है हमें उसका पूरा फायदा उठाना है। मैं बस इतना बोलूंगी, सेल्फिश हो जाना एकदम, अब सेल्फिश हो जाना एकदम, बस मिल गया है ना वो जो चीज हमें चाहिए थी, अब उसको 100% कर लेना। सोचो बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं ऑफलाइन भी टीच करती थी ना, मतलब ये सच है बेटा, इतना कहीं नहीं मिलता। मतलब मैं आई एम नॉट जजिंग, बट एक वो होता है ना बेटा, PYQs, NCERT, एवरीथिंग यू हैव, करने वाला चाहिए, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके यस मैम, पास है, और हम लोग करने के लिए वाला थोड़ा चाहिए। हैक्टिक इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग थोड़ा डिले इनरोल हुए ना। अगर अर्जुना नीट में हम लोग फर्स्ट में इनरोल हुए रहते तो पर डे 2 लेक्चर्स रहता, तो इजीली हम लोग उसको कवर अप कर लेते हैं। बट मैम देयर फॉर ठीक है, मैं 12th में मैम डिले नहीं करना है, 12th में तो एकदम नहीं बेसिक से ही होगा, शुरू अपना करना सिलेबस है। शुरू हो जाएगा, देखना मार्च से अपना सिलेबस शुरू हो जाएगा, फिर एकदम मस्त चलेगा सब, नहीं होगा, वही कोई ना दिक्कत मैम, नहीं होगा। इसी और 11th को पैरेलल ही लेके चलेंगे लोग 12th में, और आप लोग की ब्लेसिंग्स तो है ही बस। मैं 11th हाथ भी नहीं लगाने देती हूँ जब तक 12th चलता है। दिवाली तक अपन 12th खत्म करेंगे, फिर अपन 11th रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, है यस ना? मैम, तो क्योंकि और प्लस मैम हाँ एक्चुअली अभी हम लोग स्टेट बोर्ड से ना, तो हम लोग का एग्जाम मतलब फरवरी आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है बेटा, आपकी वॉइस voice... आपकी वॉइस कट हो गई थी बेटा। अब ऑडिबल है मैम। हेलो हाँ बेटा, बफरिंग हो रही है, लैगिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है। मैम, हाँ बेटा बोलो। तो वही मैम, तो थोड़ा फिर से बफरिंग हो रहा है बच्चे, मे बी आपका नेटवर्क चला गया बेटा।